सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता, ये बहुत ही सुंदर मौका मेरे प्रियो मेरी और आपकी जिंदगी में देते हैं। ये बेहद खास और खूबसूरत समय है मेरे प्रियो, जहाँ मेरी और आपकी मुलाकात अपने पिता के साथ होती है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब आते हैं, मैं और आप अपने प्रभु के दिल के करीब आते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित रखा है और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और बहुत ही खूबसूरत सी बात, जब मैं और आप अपने पिता के वचन के पास आते हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपके सामने आती है और ये बात प्रभु के दास अपने परमेश्वर के सामने रखते हैं, और जब वो उस वचन को रखते हैं मेरे प्रियो, मैं और आप अपने आप को भी वचन से रिलेट कर सकते हैं। जी हाँ, इस वचन को जिसको परमेश्वर के दास ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है, और मैं विश्वास करती हूँ जैसे परमेश्वर के दास के लिए प्रभु का वचन इतना अहमियत रखता है, मेरे लिए और आपके लिए भी है मेरे प्रियो। जब मैं और आप साम 119 भजन 119 उसके 14 पद को देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं तेरी चेतौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है ना, जब मैं और आप अपने पिता के वचन के पास आते हैं, ना सिर्फ हमें सुरक्षा मिलती है, ना सिर्फ हमारे सवालों का जवाब मिलता है, ना सिर्फ हम आनंदित किए जाते हैं, ना सिर्फ हमारी जिंदगियों में खुशी की शुरुआत होती है, पर एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है। वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आना कुछ ऐसा है मेरे प्रियो, जैसे कि मैं और आप हर तरीके के धन से हर्षित किए जाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए प्रभु के दास एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं मेरे प्रियो, और वो कहते हैं कि जैसे उन्हें अन्य दाख मधु की बढ़ती से खुशी होती है, वैसी ही खुशी मुझे मेरे परमेश्वर के वचन में मिलती है, अपने परमेश्वर के करीब आने से मिलती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैंने कहा ये बात आपके लिए और मेरे लिए भी बिल्कुल वैसे ही अहमियत रखती है जैसे परमेश्वर के दास के जीवन में रखती है। मैं और आप जब अपने प्रभु के वचन के पास आते हैं, बहुत खूबसूरत बात मेरी और आपकी जिंदगी में होती है, हम मैं और आप हर तरीके के धन से हर्षित किए जाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं सब प्रकार का धन परमेश्वर की महिमा हो। अगर मैं और आप इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 10 पद में अगर देखें, तो इस धन से प्रभु आपको और मुझको खुद हर्षित करते हैं। वचन कहता है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में रखूंगा और उन्हें उनके हृदयों में लिखूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। जब प्रभु मेरे और आपके दिल में अपने वचन को लिखता है तो कुछ खास मेरी और आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है मेरे प्रियो, और हमारे अंदर जो है एक जिंदगी आती है, एक लाइफ मेरे और आपकी जिंदगी में शुरू हो जाती है। हमारे अंदर, हमारे अंदरूनी हिस्सों में कई सारे ऐसे हिस्से होते हैं मेरे प्रियो, जो कि शायद एक समय में एक ना काम करने वाले हिस्से की तरह हो जाते हैं, पर जब प्रभु का वचन मेरे और आपके पास आता है तो मेरे और आपके अंदर एक जिंदगी आती है मेरे प्रियो। और प्रभु में जो मेरा और आपका प्यार जो है मेरे प्रियो, वो स्नेह, वो परमेश्वर में मेरी और आपकी उमंगे जो होती है मेरे प्रियो, और मेरी और आपकी इच्छाओं को मेरे प्रियो हमारे प्रभु का वचन शुद्ध और पवित्र कर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो जो एक परमेश्वर की तरफ झुकाव जो होता है मेरे प्रियो, ये बिल्कुल ही जिसको हम कह सकते हैं निस्वार्थ, जी हाँ, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के साथ चलने की खुशी और उमंग जो है मेरे प्रियो, ये कुछ अद्भुत सा एहसास है जो मैं समझती हूँ सिर्फ परमेश्वर के लोग ही इस बात को समझ सकते हैं। और जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में आता है मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में नई नई उमंगे, नई नई इच्छाएं और बहुत सारी खुशियां आती हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये काम प्रभु का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में करता है, ये काम खुद प्रभु मेरे और आपके जीवन में करने लगता है मेरे प्रियो, और तब मैं और आप अपनी इच्छा से मेरे प्रियो, जी हाँ, किसी दबाव में नहीं, पर अपने पिता के पास आना जो है मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए एक जरूरत बन जाता है।
मेरी और आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वो जो बात है मेरी प्रियो, जब परमेश्वर के पास आने की ख्वाहिश मेरे और आपके अंदर होती है, जब प्रभु से मिलने की ख्वाहिश मेरे और आपके अंदर होती है मेरे प्रियो, एक खूबसूरत बात मेरे और आपकी जिंदगी में होती है जो मेरा और आपका प्रभु बेहद बेहद पसंद करता है। जी हाँ, मैं और आप अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाले हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु का वचन आपको और मुझको हर प्रकार के धन से हर्षित करने वाला वचन है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। साम 19 वर्स 10, अगर भजन 19 पद 10 को देखें, यहाँ लिखा है वे यानी आज्ञाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं मेरे प्रियो, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। सचमुच जब परमेश्वर का वचन जो मधु से भी मीठा है, वो अद्भुत है, मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, मेरी और आपकी जिंदगी को मिठास से भर देता है, मेरे और आपके जीवन में खूबसूरत सी मिठास को घोलता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं और आप अपने प्रभु के वचन के पास आए, उसके करीब आए और बहुत बहुत सारे, जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं कि मानो सब प्रकार के धन से हर्षित किया गया हूँ मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो, वही हर्षित करने वाला धन बहुत आयत से बना रहे। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।